चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों की पहली सूची को लेकर बैठक में मंथन किया जाएगा। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और साथ ही साथ विजय शर्मा के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन बैठक में शामिल होंगे। तो बता दें, लोकसभा चुनाव नजदीक और उसके पहले बैठकों का दौर लगातार जारी है। नहीं, हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो अपेक्षित श्रेणी में हैं, उन सभी का जाना होगा और आज ये निर्देश प्राप्त होगा, उसके बाद निश्चित रूप से आपको जानकारी मिल जाएगी। ये निर्णय यहाँ का नहीं होगा, जो भी निर्णय होगा संसदीय बोर्ड के हमारे वरिष्ठ नेतागण उसमें बैठेंगे, विचार विमर्श के बाद जैसा भी निर्णय होगा उनका और उसके निर्णय के आधार पर और वो प्रत्याशी बनेंगे और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जो भी निर्णय होगा वहां पर। नहीं, हमारे सभी तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक काफी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से लगातार हम देख रहे हैं दिग्गजों का दौरा छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहा है, साथ ही साथ प्रत्याशियों को लेकर भी बैठकों का दौर जारी है। और इसी कड़ी में आज आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर ही यह अहम बैठक आज होने जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें पहली सूची पर देखिए आज मंथन भी होना है और बैठक के बाद ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि कितनी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर यहां पर मुहर लगती है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, देखिए दिग्गजों का दौरा तो लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में और आज की जो बैठक है वो काफी ज्यादा अहम हो जाती है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। आज की बैठक की बात की जाए तो ये समझा जाए कि पहली सूची को लेकर जो मंथन होगा, तस्वीर भी आज कुछ साफ हो सकती है। बिल्कुल, देखिए रितु, बीजेपी पहले से ये कहती रही है कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता का इंतजार नहीं किया जाएगा, जरूरत पड़ने पर सूची जो है पहले भी जारी की जा सकती है। और ये पहले से संभावना थी कि फरवरी के अंतिम या फिर मार्च के पहले सप्ताह में पहली सूची बीजेपी की आ सकती है, और उसके तहत ही अभी दो दिन पहले ही अमित शाह का दौरा, अमित शाह का संगठन के लोगों के साथ बैठक और उसके बाद आज दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक, छत्तीसगढ़ चुनाव लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ चुनाव समिति की बैठक। तो उससे ये तय है कि हो सकता है कि जल्द ही जल्द पहली सूची देखने को मिल जाए और ये कहा जा रहा है कि 3 से 5 सीटों पर ऐलान किया जा सकता है। ये वो सीटें हैं जहां पर फिलहाल जरूर बीजेपी की सरकार, बीजेपी के एमपी हों वहां पर, लोकसभा सांसद जो है बीजेपी के हों, लेकिन अभी की स्थिति में वो थोड़ी कमजोर मानी जा रही सीटें उनमें शुरुआती दौर में ऐलान किया जा सकता है 3 से 5 सीटों पर प्रत्याशियों का। जी रितु, निलेश, ये देखने वाली बात भी होगी क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं बीजेपी चौंकाने वाले फैसले करती है लोकसभा की, जिन 5 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं कि शायद इन पर नाम आ सकते हैं, तो क्या ये नए चेहरे हो सकते हैं? बिल्कुल, बीजेपी जिस तरह से पिछले चुनाव में प्रयोग किया था, उन्होंने सभी सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए थे और इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि बड़ी संख्या में नए लोगों को मौका दिया गया था। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि खासकर उन सीटों पर जो काफी कमजोर मानी जा रही है या फिर बाकी सीटों की अपेक्षा कमजोर मानी जा रही है, वहां पर बिल्कुल प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी है वो अंतिम मौकों तक स्पष्ट नहीं हो पाता कि वो क्या करने वाली है, और एकाएक जब नाम आते हैं तो चौंकाने वाले आते हैं। तो जो अभी संभावना जताई जा रही है, जो चर्चाएं हो रही है, उसके मुताबिक तो यही है कि बदले जाएंगे प्रत्याशी, लेकिन क्या होगा ये अंतिम दौर तक जब तक कि इस लिस्ट में नाम ना आ जाए तब तक कुछ कहना मुश्किल है। बिल्कुल, तो चलिए पहली सूची में किन किन प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं इस पर चर्चा आज होनी है, नजरें बनाए रखिएगा निलेश, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।